तो दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन में एक न्यू कमाल का अपडेट आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली दोस्तों इस नए अपडेट में पेटीएम एप्लीकेशन में आपको एक कमाल का न्यू फीचर ऐड किया हुआ देखने के लिए मिल जाएगा और इस वीडियो में मैं आपको इसी फीचर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये फीचर आपको पेटीएम एप्लीकेशन में कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और कैसे आपको एक्टिवेट करना है और इस फीचर के क्या फायदे होने वाले हैं, इसके रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आप भी पेटीएम एप्लीकेशन को चलाते हैं तो आपके लिए है गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज ये है कि अब आप पेटीएम की यूपीआई आईडी से इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, यानी कि बाहर की कंट्री के जो पैसे हैं वो सीधे अब आप पेटीएम यूपीआई आईडी से रिसीव कर सकते हैं। ऐसा एक नया फीचर पेटीएम एप्लीकेशन में ऐड किया जा चुका है जिसका नाम है FIR, फुल फॉर्म है फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस, यानी कि बाहर के जो डॉलर है या फिर दिनार है या फिर जो यूरोस है उसे अब आप पेटीएम यूपीआई आईडी से डायरेक्ट आप अपने पेटीएम अकाउंट में या फिर जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक करके रखा हुआ है वो सारे पैसे आपके उसी में सेटल होने वाले हैं। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये फीचर आपको कहाँ पे मिलेगा और साथ ही साथ इस फीचर को कैसे आपको एक्टिवेट करना है, जानने के लिए चलिए चलते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से पेटीएम एप्लीकेशन को अपडेट करके ओपन कर लेना है। तो जब आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ऊपर ऊपर आपको एक साइड में कोने में आपका जो प्रोफाइल का आइकन मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सो यहाँ पे आपको रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अब आप यहाँ से बाहर की जो कंट्री है उनसे पैसे आप अपनी पेटीएम की यूपीआई आईडी पे रिसीव कर पाएंगे। मगर रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको इस फीचर को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए नीचे है आई एक्सेप्ट का ऑप्शन जिसके ऊपर आपको क्लिक करके कंसेंट करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है ग्रेट यू कैन नाउ एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स, यानी कि अब आप यहाँ की जो फॉरेन कंट्री के पैसे हैं उसे आप पेटीएम यूपीआई आईडी के थ्रू रिसीव करने के लिए तैयार है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपकी यूपीआई आईडी भी देखने के लिए मिल जाएगी जिससे कि आप इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव कर पाएंगे। सो यहाँ पे मेरी जो यूपीआई आईडी है वो नीचे है मगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसे मैंने ब्लर करके रखा हुआ है। तो सारा यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, डन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फीचर है इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव करने का वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है हमारी पेटीएम यूपीआई आईडी पे। और अब दोस्तों इसके बाद में इन फ्यूचर अगर आपको इस फीचर को डीएक्टिवेट करना है तो कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए फिर से हमें पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, फिर से ऊपर ऊपर प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में फिर से हमें यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमें फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे रिसीव इंटरनेशनली पेमेंट का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो देखिए आपको ऊपर ऊपर कॉर्नर में इस साइड में 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके सामने डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप डीएक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा डीएक्टिवेट इंटरनेशनल पेमेंट, तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही दोस्तों हमारा जो ये फीचर है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, यानी कि अब हम पेटीएम यूपीआई आईडी पे इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इस फीचर से जुड़े कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, सो यहाँ पे हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अगर हम इस फीचर को इनेबल करते हैं तो क्या इसके लिए हमें कोई तरह का चार्जेस देना होगा या फिर नहीं। सो फिलहाल के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे ऐसी चार्जेस की कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है, यानी कि ये एक तरह से फ्री सर्विस होने वाली है। और दूसरा सवाल है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर हम बाहर की कंट्री से डॉलर को भेजते हैं तो क्या हमारे अकाउंट में डॉलर ही ऐड होगा या फिर इंडियन करेंसी। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए आपने जो भी बाहर की करेंसी भेजी है तो वो आपके बैंक अकाउंट में इंडियन करेंसी ऐड होगी, यानी कि INR रुपीस। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही साथ ये भी जरूर से बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये फीचर। तो वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिए और जाइए जल्दी से पेटीएम के इस फीचर को इनेबल कर लीजिए।